नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार के लिए आपका शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है। दोस्तों, आज के ही दिन शुभ दशहरे का त्यौहार है और इस तरह से दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर 2023 के लिए जो शुभ अंक और शुभ रंग हम अभी वीडियो में आपको बताएंगे, इनको आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल करने के लिए अपने साथ में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको असीम सफलताएं मिलती हुई नज़र आएंगी। आपका भाग्य आपके साथ में होगा। ये शुभ अंक और शुभ रंग आपको अंक ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की चाल से बदलने से और नक्षत्रों की स्थिति को मिला करके, इसके अलावा अन्य गणनाओं को मिला करके ये शुभ अंक और शुभ रंग आपको बताएंगे और ये दोस्तों मूलांक के आधार पर आधारित होंगे। और ये शुभ अंक और शुभ रंग दोस्तों हर मूलांक वाले व्यक्ति के लिए रोज़ अलग-अलग होता है, इसलिए आपको हमारे इस चैनल पर या कहीं भी आप रोज़ अपना शुभ अंक और शुभ रंग को नोट करिए और उसके हिसाब से आप अपने दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग करें तो आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, अपने घर के मंदिर में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आप पूजा अर्चना करके घर से बाहर निकलते हैं, या पूरा दिन अच्छा व्यतीत करने के लिए घर पर रहें या कहीं भी, तो इसी तरह से आप इन शुभ अंक और शुभ रंगों का यदि प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके ईश्वर की आशीर्वाद और शुभ कामनाओं से कम नहीं होगा, क्योंकि ये सारी गणनाएं अंक ज्योतिष के माध्यम से और ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति को मिला करके ये निकाले जाते हैं। तो इनको नज़रअंदाज न करें, आप इन शुभ अंकों और शुभ रंगों का अपने साथ में ज़रूर प्रयोग करें। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं, आपकी दुकानदारी है, आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, खेल कूद में जा रहे हैं, प्रतियोगिता में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप इन सब शुभ अंक और शुभ अंकों को लेकर के इन कार्यों के लिए आप असीम सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आपके हर क्षेत्र में धन धान्य और उन्नति की राह खुलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये सारे शुभ अंक और शुभ रंग आपकी भाग्य रेखा को बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये हम आपको मूलांक आधारित पर ये शुभ अंक शुभ रंग बताएंगे तो आपको अपना मूलांक पता होना चाहिए। तो मूलांक बहुत से लोग समझते होंगे, निकाल चुके होंगे, क्योंकि मैं रोज़ बताता हूँ कि मूलांक किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों, जो लोग नए होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मूलांक किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जन्मतिथि 7 मई 1992 है, तो इसमें जो तारीख निकल कर आती है, जैसे मान लीजिए 7 मई है, तो इसमें 7 जो तारीख है ये आपका मूलांक हुआ। इस तरह से आप अपना जन्म तारीख के हिसाब से मूलांक निकाल करके रख लीजिए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मूलांक दोस्तों हमेशा 1 से 9 के बीच में होता है, इसलिए 2 अंकों कि जिनकी जन्मतिथि है जैसे 10 11 12, तो आप इनके दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके जो संख्या है वो आपका मूलांक होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना मूलांक निकाल लिया होगा और अब अपने मूलांक के हिसाब से अब 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार और दशहरे के लिए अपना शुभ अंक और शुभ रंग यानी कि लकी नंबर और लकी कलर जान लीजिए। दोस्तों, मूलांक 1 वालों के लिए शुभ अंक है 52, शुभ रंग है सिल्वर। इसी तरह से मूलांक 2 वालों के लिए शुभ अंक है 22,
शुभ रंग ग्रे, मूलांक तीन वालों के लिए शुभ अंक है 12, 12 और शुभ रंग हरा, मूलांक चार वालों के लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग क्रीम, मूलांक पाँच वालों के लिए शुभ अंक है 15, 15 शुभ रंग है पीला, मूलांक छः वालों के लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है गोल्डन, मूलांक सात वालों के लिए शुभ अंक है 27 और शुभ रंग वायलेट, मूलांक आठ वालों के लिए शुभ अंक 14 यानी कि 14 शुभ रंग है लाल रेड। इसी तरह से मूलांक नौ वालों के लिए शुभ अंक है 12, 12 और शुभ रंग है लेमन। दोस्तों अब आपने 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार के लिए अपना शुभ अंक और शुभ रंग आपने जान लिया, तो आप अपने लकी नंबर और लकी कलर के माध्यम से आप अपने पूरे दिन अपना भाग्य अपने साथ में रख सकते हैं, और जब भाग्य साथ में होगा तो आपके जितने भी सारे काम होंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से निपटेंगे। ट्रेडिंग व्यवसाय में आपका अच्छा धन लाभ होगा, नौकरी पेशा में अच्छी उन्नति के अवसर मिलेंगे, यात्रा प्रतियोगिता इंटरव्यू में आपको ढेर सारी सफलताएं मिलेंगी, पारिवारिक सुख शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये शुभ अंक और शुभ रंग का प्रयोग करने के लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शुभ अंक का प्रयोग किस तरह से करें, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका शुभ अंक है 14, तो आप अपने शुभ रंग 14, इस 14 संख्या को आप अपने साथ में रखें। जैसे कि मान लीजिए कि आप 14 रुपए अपने पास रख सकते हैं, 14 सिक्के रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास सिक्के नहीं हैं तो आपके घर में ज़रूर चावल दाल इस तरह से कोई भी चीज़ अन्न के हों, आप उसके उतने दाने अपने जेब और अपनी पॉकेट में पर्स में रख लीजिए, तो आपका भाग्य पूरा आपके दिन बना रहेगा। यानी कि ये जो शुभ अंक है लकी नंबर है वो आपके साथ में होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में के मंदिर में जो भी आपके इष्ट देव हैं वहाँ पर आप उतने फूल चढ़ाइए, तो उतने फूल नहीं है शुभ अंक के तो आप उतनी पंखुड़ियाँ आप अर्पित कर सकते हैं। आपको आपके भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि ये मूलांक आधारित शुभ रंग और शुभ अंक होते हैं, तो आप रोज़ अपना शुभ अंक और शुभ रंग को याद रखिए और उसी के हिसाब से अपना दिनचर्या अवश्य बनाएं। इसी तरह से मान लीजिए कि शुभ रंग को आप लीजिए, मान लीजिए कि आपका शुभ रंग है नारंगी, तो आप नारंगी कलर की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपके शर्ट पैंट कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा लेडीज़ की साड़ी सलवार कुछ भी हो सकता है, लेडीज़ की नेल पॉलिश हो सकती है, हेयर क्लिप हो सकती है, बैग पर्स कुछ भी हो, आदमियों के पास उनकी टाई हो सकती है, रुमाल हो सकती है, जो कोई भी एक चीज़ उस कलर का हो उसका आप इस्तेमाल। दोस्तों यदि इनमें से आपके पास कोई शुभ अंक का प्रयोग करने या शुभ रंग का प्रयोग करने के लिए आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका कि आप सादे कागज़ पे एक शुभ अंक लिखिए और अपनी जेब पॉकेट पर्स में रखिए। इसी तरह से एक दूसरे कागज़ में आप अपना शुभ रंग एक प्लेन कागज़ पे लिखिए और अपनी जेब पॉकेट में साथ में रखिए। तो दोस्तों ये शुभ रंग और शुभ अंक आपको दोनों पूरे दिन आपके भाग्य को बदलते रहेंगे, क्योंकि ये ग्रहों और नक्षत्रों का एक आशीर्वाद है। ये अंक ज्योतिष के माध्यम से कैलकुलेशंस के माध्यम से निकाले गए हैं और ये व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। तो जो भी आपकी पॉजिटिविटी एक्टिविटी होती है रोज़, उसमें इस शुभ अंक और शुभ रंग के माध्यम से वो आपकी कई गुना आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप पूरे दिन जिस भी फील्ड में हैं, कहीं भी आना जाना है, तो उसमें आपको असीम सफलताएं मिलना बिल्कुल तय है। दोस्तों आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तो और फिर उसके
बाद यदि भाग्य साथ में होता है तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने शुभ रंग और शुभ अंक का इस्तेमाल रोज़ अवश्य करें और उसको लेकर के किसी भी प्रकार की भ्रांति न रखें। बाकी आप खुद आजमा करके देखिए कि वास्तव में हाँ ये फलदायक हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मेरी तरफ से आप सभी को 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार शुभ हो, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ ही आज के दिन शुभ दशहरा भी है, तो दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इसके साथ में हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।